हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है टिंडल प्रभाव, जो एक प्रकाशीय गुण है। दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दोस्तों, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। ये आप ये समझ लेना कि हमारे एग्जाम में ये आता ही है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक वास्तविक विलयन और दूसरा होगा हमारा कोलाइडी विलयन। तो दोस्तों, मैंने इन दोनों चीजों को बता दिया है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। दोस्तों, जो वास्तविक विलयन होता है, एक साधारण विलयन होता है, जैसे जल और नमक का विलयन, जल और शक्कर का विलयन, बिल्कुल वास्तविक विलयन एक साधारण विलयन ही होता है जो हम घर में बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा वास्तविक विलयन हुआ। अब मैंने कोलाइडी विलयन भी आपको बताया था, तो कोलाइडी विलयन को भी मैंने पढ़ा दिया क्या होता है, जैसे कोहरा हुआ, धुआं हुआ, ठीक है, दूध हुआ, जेल हुआ, ये सब क्या है, कोलाइडी विलयन। कौन सी विलयन है, कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन को भी दोस्तों पूरा पढ़ा दिया है। आप नहीं देखा आपने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो ये दो चीजें हमारे लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा टिंडल प्रभाव के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा कि जब वास्तविक विलयन, मतलब जो साधारण विलयन है, उस साधारण विलयन में से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो क्या आपको वह प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है? तो आप बोलोगे, सर हमने देखा ही नहीं है, अभी तक हमने प्रैक्टिकल करके ही नहीं देखा। चलो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो, ये मैंने एक बॉटल में ले लिया है वास्तविक विलयन, मैंने इसमें नमक और जल का विलयन ले लिया है, मैंने नमक और इसमें जल मिलाया है और मैंने इसमें वास्तविक विलयन बना लिया, ये वास्तविक विलयन है। तो दोस्तों, मैं इस वास्तविक विलयन में से प्रकाश के मार्ग को गुजार रहा हूं, तो मैंने ये टॉर्च ले ली और मैं इसमें से इसको गुजार रहा हूं। तो आप क्या इस सीसी के अंदर देखिए, इस वास्तविक जो विलयन भरा हुआ है उसमें देखिए, क्या आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है कि प्रकाश कहां से निकलकर कहां जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वास्तविक विलयन में से जब हम प्रकाश के गुजारते हैं तो हमें उसका मार्ग दिखाई नहीं देता, अदृश्य रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसी सीसी में कोलाइडी विलयन ले लूं, कौन सा विलयन, कोलाइडी विलयन ले लूं और प्रकाश के मार्ग को इस टाइप से गुजारूं, तो वो मुझे मार्ग इसमें दिखाई देगा, क्या होगा, दिखाई देगा। तो दोस्तों, जो प्रकाश के मार्ग की दिखने की घटना होती है, प्रकाश का जो मार्ग दिखाई देता है, उस दिखने की घटना को, प्रकाश के दिखने की घटना को ही हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। आइए मैं इसको समझाता हूं। तो दोस्तों, मान लिया मैंने ये एक पात्र लिया है, ठीक है, ये कोई एक पात्र है, इस पात्र में मैंने एक कोलाइडी विलयन भर लिया, एक कोलाइडी विलयन को ले लिया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इस कोलाइडी विलयन, इसमें भर दिया मैंने कोलाइडी विलयन, ठीक है। और दोस्तों, मैंने क्या किया, इस कोलाइडी विलयन पर इस लेंस की सहायता से, पहले मैंने एक लेंस लिया और ये जो लेंस है दोस्तों वो उत्तल लेंस लिया, ठीक है, एक लेंस लिया और फिर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर मैंने टॉर्च को रख दिया, क्या रख दिया, टॉर्च को रख दिया। तो यहां से, उस टॉर्च से प्रकाशिक किरणें निकलेंगी, कौन सी किरणें, प्रकाशिक किरणें निकलेंगी। तो ये प्रकाशिक किरणें डायरेक्ट इस लेंस पर पड़ेंगी और लेंस से होते हुए ये जो प्रकाशिक किरणें हैं, यहां पर
इस कोलाइडी विलयन के अंदर जाएंगी। अब कोलाइड विलयन के अंदर जाएंगी तो देखो आपको इस कोलाइडी विलयन में ये प्रकाशित किरणें आपको जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो एक प्रकाशित किरण यह जा रही है और एक प्रकाशित किरण यह जा रही है, आपको दिखाई दे रही है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो प्रकाशित किरणें होती हैं उनका जो दिखाई देना है, उस दिखाई देने की जो घटना होती है उसे ही हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। दोस्तों यदि इस बॉटल में कोलाइडी विलयन होता तब भी आपको ये प्रकाशित किरण दिखाई देती कि ये इस टाइप से, जिसमें जैसे इसमें दिख रही है ना उसी प्रकार से इसमें भी आपको प्रकाशित किरण दिखाई देती। ठीक है, तो सीधी सी बात दोस्तों हमारी हुई क्या, हमारा जो निकला है पूरा सार वो क्या निकला है, वो ये निकला है कि जब हम किसी प्रकाश को वास्तविक विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश का मार्ग अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि उसी प्रकाश को लेंस की सहायता से कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। इस प्रकार प्रकाश के इस दृश्य होने की जो घटना होती है उसे ही हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, आइए दोस्तों अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। दोस्तों मैंने जो समझाया है वही इसकी थ्योरी है, एक बार उसको देख लीजिए। क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग अदृश्य रहता है। दोस्तों मैं इसका कारण बता रहा हूं, आदर्श क्यों रहता है, आदर्श इसलिए रहता है दोस्तों कि जो कोई वास्तविक विलयन होता है, इस वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं उन कणों का आकार हमने बताया था 1 नैनोमीटर से कम होता है। अब 1 नैनोमीटर से कम होता है मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जिसमें होता है उसे प्रकीर्णन करते हैं, क्या है ना। और दोस्तों कोई भी वस्तु जो दिखाई देती है वो हमें परावर्तन और अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। जैसे मैं मान के चलो दोस्तों मैं आपको दिख रहा हूं तो मुझसे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, मुझसे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है इसलिए मैं दिख रहा हूं। अब जैसे मैं लाइट को बंद कर दूं तो मेरे पास प्रकाश नहीं आएगा और प्रकाश का फिर परावर्तन नहीं होगा तो मैं नहीं दिखूंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है परावर्तन और अपवर्तन जिसमें होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन के कारण ही कोई वस्तु दिखती है या परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु दिखती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो मैं जो वास्तविक विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग आदर्श रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि इनके कणों का आकार बहुत छोटा छोटा होता है तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। ठीक है, आगे बोला है किंतु जब प्रकाशित किरण को लेंस की सहायता से, है ना, उत्तल लेंस की सहायता से कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। अब बोलो दिखाई क्यों देता है, क्यों, क्योंकि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, मतलब कण थोड़े बड़े होते हैं। अब कण बड़े होते हैं तो जैसे ही प्रकाश उस पर आएगा गिरेगा तो वो कण क्या करेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे, परावर्तन अपवर्तन करेंगे, जिसके कारण वो प्रकाश है जहां से गुजरेगा वहां पर चमक जाएगा, वहां पर क्या होगा, चमक जाएगा। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है, क्योंकि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, क्या होता है, प्रकीर्णन। और इस प्रकार प्रकाश के जो प्रदीप्त मतलब दिखाई देने की जो घटना होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। अब आपके दिमाग में ये जा रहा होगा सर इसको टिंडल ही क्यों बोला, तो दोस्तों क्या हुआ, इस घटना का जो आपको ये घटना दिख रही है ना पूरी जो दिखाई देने वाली घटना, इस पूरी घटना का अध्ययन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था सबसे पहले। टिंडल
टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि इनने किया तो इनका नाम आ गया, कोई और कर देता तो किसी और का नाम आ जाता। समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टिंडल प्रभाव, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा कुछ और बच गया है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये शंकु जैसा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये शंकु जैसा। तो दोस्तों ये बना हुआ जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है टिंडल शंकु। क्या? टिंडल शंकु, है ना, शंकु के आकार का है ना दोस्तों। तो ये क्या हुआ हमारा? टिंडल शंकु। इसी प्रकार से ये भी दोस्तों हमारा क्या हुआ? टिंडल शंकु, ठीक है। तो ये थ्योरी और ये आपका डायग्राम, इतना बस आपको एग्जाम में लिखना होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको एक एक शब्द, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर दिया करो ताकि उन लोग का भी फायदा हो, है ना। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।